दोस्तों आप सभी को ट्राई के नए निर्देश के बारे में तो मालूम होगा ही, जिसमें सभी कंपनियों के अंदर 28 दिन की बजाय सभी यूजरों को पूरे 30 दिन की रिचार्ज वैलिडिटी कंपनी की तरफ से दी जानी है। लेकिन यहां पर एक मिथ बना हुआ है कि आखिर कब से ये सर्विस लागू होने जा रही है, जिसमें सभी यूजरों को 28 दिन की जगह पूरे 30 दिन के वैलिडिटी के मिले। यहाँ पर मैं आज की वीडियो में आपको इसी सवाल के बारे में जवाब देने जा रहा हूँ। अगर आप भी किसी कंपनी का सिम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, एयरटेल, वीआई, जियो या आइडिया, वोडाफोन का, तो आज की वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जब से ट्राई ने सभी कंपनियों को आदेश दिया है टेलीकॉम सेक्टर में कि अपने 28 दिन रिचार्ज वैलिडिटी को बंद करें और पूरे 30 दिन रिचार्ज वैलिडिटी सभी प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो तभी से सारी कंपनियां 30 दिन रिचार्ज वैलिडिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हरकत में आ गई है। ऐसा सुनने में आया है कि जियो के अंदर कुछ प्लान के अंदर 30 दिन रिचार्ज वैलिडिटी को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम के कुछ 4-5 प्लान हैं जहां पर पूरे 30 दिन की रिचार्ज वैलिडिटी सभी यूज़रों को दी जा रही है। और यहां पर कुछ यूज़रों का ये भी कहना है कि ये प्लान पहले से ही 30 दिन रिचार्ज वैलिडिटी में सभी यूज़रों को प्रोवाइड किए जा रहे थे। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और इसके अलावा जो बाकी कंपनी है जैसे एयरटेल, वीआई, आइडिया, वोडाफोन, तो ये कब तक 30 दिन के रिचार्ज वैलिडिटी को इम्प्लीमेंट करेगी, तो इसके बारे में अपडेट निकल कर ये आया है कि सभी कंपनियों ने ट्राई से टाइम मांगा है अपने इस 30 दिन रिचार्ज वैलिडिटी को अपने प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए। कहा गया है कि ये जो रिचार्ज 30 दिन रिचार्ज वैलिडिटी है, इसमें कंपनियों को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें 28 दिन की जगह 30 दिन यानी कि 2 दिन बढ़ती और किसी किसी महीने में 31 का महीना आता है, तो 3 दिन की वैलिडिटी अपने सभी यूज़रों को एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ट्राई से इन्होंने सभी कंपनियों ने टाइम मांग लिया है आने वाले को 2-3 महीनों के अंदर जो रिचार्ज वैलिडिटी 28 दिन की ही दी जा रही है वो ही दी जाएगी, और 2-3 महीने के बाद आपको 30 दिन की पूरी रिचार्ज वैलिडिटी अपने इन एयरटेल, वीआई, आइडिया, वोडाफोन में इम्प्लीमेंट करेगा 30 दिन वाली रिचार्ज वैलिडिटी को। तो सभी यूज़रों के लिए यही अपडेट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनी में आपको पूरे 30 दिन रिचार्ज वैलिडिटी कब तक देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर पूरा सवाल देने की जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।